फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग ऑल ऑफ यू आर फाइन, हेल्दी एंड सेफ ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। टुडेज टॉपिक इज मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन। दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल फॉर द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एज वेल एज इंटरमीडिएट क्लास स्टूडेंट्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू। Now, the question arises that what is the need of taking the motion of spring mass system in the vertical plane, while when already has been considered its motion in the horizontal plane? Okay, the answer is that in the horizontal case, we have not taken Earth's gravity. But in the case of vertical plane, it is mandatory, it is necessary to be taken into account the gravity force, because of which the mass of the body when hanged to the spring is considered and the body's weight becomes mg, whose direction is vertically downward to the center of the earth. Okay, let's स्टार्ट दी लेक्चर। तो मोशन ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम इन वर्टिकल प्लेन में बात करने के लिए हम क्या करते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग लेते हैं, इसके एक सिरे को एक रिजिड सपोर्ट से हम अटैच कर देते हैं। दूसरा सिरा जो है ए पोजीशन में फ्री है, बी पोजीशन में हम एम मास का बॉडी जो है इस स्प्रिंग से हम अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एम मास का जो पार्टिकल है इसका वेट mg है, mg के प्रभाव में ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंचती हुई हैंग हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके ओरिजिनल पोजीशन से m मास लटकाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, x वृद्धि हो गई। तो l क्या है, l इज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग आफ्टर हैंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m। ओके, तो अब ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ये क्या है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस स्प्रिंग मास सिस्टम को नीचे की तरफ खींच कर छोड़ देंगे। तो जैसे इसको नीचे की तरफ खींच के छोड़ेंगे, ये वापस से अपने इस पोजीशन में आएगी, इसलिए इसको मीन पोजीशन कहेंगे। उसके बाद क्या है, ऊपर जाएगी, जब स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग संपीड़ित होगी, कंप्रेस होगी, वापस से फिर मीन पोजीशन में आएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, और इस तरह से इस पोजीशन के टू एंड फ्रो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन करने लगेगी, इसीलिए हम इसको मीन पोजीशन कह रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे मोशन करेगी। इसके पहले वीडियो में हमने जो बात करी थी, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करी थी, यहाँ पे हमारा यही मोशन वर्टिकल प्लेन में है। अब प्लेन चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, मे बी इक्वेशन हो सकता है वही आए या अलग आए, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है इसमें। उस कॉन्सेप्ट में हमारा एम जी नहीं एक्ट कर रहा था, इसके कॉन्सेप्ट में क्या है, एम जी एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एम मास का पार्टिकल वर्टिकली हैंग आउट है, तो किसी भी बॉडी का अगर मास एम है तो उसका वेट mg हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम करता है, क्योंकि अगर हमारा अर्थ नीचे प्लेन है तो हमारा मास mg ऑफ दी m मास बॉडी नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, अब इसको हमने खींच के छोड़ दिया, तो ये वापस से मिडिल पोजीशन पर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे यहाँ पे आएगा, फिर मिडिल पोजीशन जाएगा, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये होगी एक आवर्त गति। अब SHM तो हम तब प्रूफ करेंगे जब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद निगेटिव साइन आएगा। तो ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमने सी पोजीशन क्या बता रहा है कि एम मास के पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचा है, तो जिसकी वजह से इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड या एक्स दूरी खींचने के बाद एम मास स्प्रिंग मास सिस्टम में कितना विस्थापन डेवलप हो रहा है, ये है एक्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग मास सिस्टम। व्हेन
स्ट्रेच्ड वर्टिकली, एक्स डिस्टेंस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। जब नीचे की दिशा में एक्स डिस्टेंस खींचते हैं तो स्प्रिंग मास सिस्टम में उत्पन्न हुआ डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है। अब क्या होगा जब स्प्रिंग नीचे खींच रही है, तो पहले केस में क्या था, यहाँ पे भी एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा कि एम मास लगाया, एम मास का बॉडी हैंग करते ही स्प्रिंग एल लंबाई खींच गई, जिसकी वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ, मान लिया कि एफ वन रेस्टोरिंग फोर्स है। इस केस में रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा क्योंकि स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन करेगी, तो मान लिया इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो एफ टू है। एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन की एफ वन ऊपर की डायरेक्शन में क्योंकि एल लंबाई नीचे खींची है, एफ टू ऊपर की डायरेक्शन में है क्योंकि स्प्रिंग एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे खींची है, ठीक। तो इस डिस्टेंस में तो केस बी की बात करते हैं, तो केस बी की बात करते हैं, तो इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो आया एफ वन इक्वल टू माइनस के एल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, क्या है, एफ वन रेस्टोरिंग फोर्स है जो कि माइनस के एल के बराबर है। अब क्या है, न्यूटन्स लॉ का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या कहता है, किसी भी सिस्टम में जो उत्पन्न टोटल बल है वो उसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इस समय सेकंड केस में कुल मिलाकर जितना फोर्स है वो है खाली एफ वन और एम जी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और चूंकि स्प्रिंग मोशन में नहीं है, स्प्रिंग मोशन में नहीं है, एम मास खींचने के बाद खाली इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल लंबाई की वृद्धि हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल लंबाई की वृद्धि हुई है और स्प्रिंग रुक गई है, तो इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम एफ इजक्वल टू एम ए न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ की को कंसिडर करते हैं, तो एक्सेलरेशन तो कोई डेवलप है नहीं, इसलिए ये हो जाएगा जीरो। और टोटल फोर्स यानी नेट फोर्स इन द सिस्टम कितना आएगा, नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स इन सिस्टम कितना हो जाएगा, एफ वन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है और स्प्रिंग मूव नहीं कर रही है, तो एफ वन बराबर एम जी के हो जाएगा या एफ वन माइनस एम जी बराबर जीरो के होगा, क्योंकि स्प्रिंग तो जीरो नहीं है, यहाँ से भी एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए एफ का मान रखेंगे एफ वन माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो या एफ वन इज इक्वल टू आया एम जी। एफ वन का मान यहाँ से रखेंगे तो माइनस के एल इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब हम केस सी की बात करेंगे, तो केस सी में क्या होने वाला है आप ध्यान समझिएगा। अब केस सी क्या कह रहा है कि जब इसको हमने एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, तो इस समय इसमें ओरिजिनल पोजीशन से जो टोटल इंक्रीज इन लेंथ हुआ कितना हुआ, एक्स ये हो गया प्लस एल ये हो गया, एल प्लस एक्स हो गया, ठीक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एक्स आएगा, इसका मतलब एफ टू का मान जो आएगा, रेस्टोरिंग फोर्स एफ टू इज इक्वल टू हो गया माइनस के टाइम्स एल प्लस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर तीन, ठीक। अब चूंकि ये इस केस में स्प्रिंग जो है अप एंड डाउन मोशन कर रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो फिर से न्यूटन्स के इक्वेशन लॉ इक्वेशन को इस केस में अप्लाई करेंगे, तो एफ इक्वल टू होगा एम ए, तो एफ इक्वल टू एम ए को यूज़ करते हैं, तब क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ स्टेट्स एफ इक्वल टू एम ए, ये भी फिर से तीसरे केस में नेट फोर्स प्रोड्यूस्ड हो गया, तो नेट फोर्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू एम ए की बात करते हैं, या एम ए को इधर लिख लेते हैं, एम ए इज इक्वल टू एफ, तो एम ए को ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं। एफ कितना है रिजल्टेंट, आप देख सकते हैं कितना आया था, आप यहाँ पर देखिए इस केस में एफ टू ऊपर है, एम जी नीचे है, बॉडी मूव कर रही है, तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को हमने नीचे खींचा हुआ है, तो एम जी ग्रेटर देन एफ टू के होगा, तो एम जी माइनस हम एफ टू कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम में नेट फोर्स जितना आया एम जी माइनस एफ टू के होगा, तो एफ की जगह पे क्या लिख देंगे हम, एम जी माइनस एफ टू, ठीक। और एफ टू का मान कितना आएगा, एफ टू बराबर माइनस के एल प्लस एक्स होगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एक्स है, क्लियर। तो एफ टू का मान यहाँ पे रखेंगे एम जी माइनस, ये रखेंगे तो हो गया प्लस के एल प्लस एक्स आया,
mg का मान कितना आया था इक्वेशन वन से, इक्वेशन टू से देखिए, इक्वेशन टू से माइनस के एल इज इक्वल टू एम जी का मान आया था, तो एम जी की जगह पर रख देंगे माइनस के एल। तो एम जी की जगह जब माइनस के एल रखेंगे तो यहाँ पे आया माइनस के एल प्लस के एल प्लस के एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारा आ गया एम ए इज इक्वल टू के एक्स, या एक्स इज अपॉन ए इज इक्वल टू आ गया एम बाई के। तो फिर से हमारे पास आ गया विस्थापन बटा त्वरण इक्वल टू मास बटा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टू पाई अंडर विस्थापन बटा त्वरण एक्स अपॉन ए इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के। तो यहाँ पे भी इक्वेशन वही आ रही है जो कि हॉरिजॉन्टल केस में था, लेकिन जो डिराइव करने का जो लॉजिक है वो डिफरेंट है, ओके। अब इसमें भी हम वही सब बात करेंगे, दो स्प्रिंग को सीरीज में लगा दें तो क्या होगा, दो स्प्रिंग को हम पैरेलल में लगा दें तब क्या होगा, स्प्रिंग के बीच में मास हो तो क्या होगा। तो ये सारी केस जैसे उसमें था, पहले केस में था, हम सेम उसी प्रकार से डिराइव करेंगे, बस हमारा प्लेन जो हो जाएगा वो वर्टिकल पर हो जाएगा। तो केस वन, के वन के टू की दो स्प्रिंग लेती हैं, के वन के टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की टू स्प्रिंग्स लेते हैं इन सीरीज। क्या सिस्टम बनेगा, एक स्प्रिंग है, दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन, फिर हमने इसको ये रखा एम मास को हमने यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ वही रहेगा, ये के वन हो गया, ये के टू हो गया। तो अब हम टी कैसे आया इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस हम ये देखना चाहते हैं कि इसको खींच के छोड़ने के बाद के वन के टू में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा, या रेस्टोरिंग फोर्स अलग अलग होगा या सेम होगा, ये कंसिडर करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही हम इसको खींच के नीचे की तरफ छोड़ेंगे, के वन के टू अलग अलग पदार्थ के पार्ट के स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि के वन इज नॉट इक्वल टू के टू, के वन के टू अलग अलग है। जब खींचेंगे तो पूरे सिस्टम में एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट इन होल सिस्टम, ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारा पूरे सिस्टम में है। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जब हम इसको नीचे और खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें एक्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने पहला लेक्चर पढ़ा है तो उसको अच्छे समझ में आएगा, नीचे स्पेस नहीं है, हम पिक्चर को दूसरे पन्ने पे फिर से बनाते हैं, ओके। पिक्चर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं कि थर्ड केस के लिए ये हो गया पहला केस, ठीक है, ये नॉर्मल पोजीशन हो गई। इसके बाद एम मास का पार्टिकल लगाया तो इसमें लंबाई एल आ गई, ठीक, ये के वन स्प्रिंग कांस्टेंट, के टू स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको इस मेन पोजीशन से खींच लिया तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया, और ओरिजिनल पोजीशन से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है एल। तो अब इसमें जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो है एफ, ठीक, और ये एफ इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंगों की लंबाई में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये लंबाई सबसे पहले यहाँ पर थी, ठीक, अब ये यहाँ तक आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स वन। ये स्प्रिंग पहले यहाँ पर थी, ये स्प्रिंग खींच के टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई एक्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा। पहली स्प्रिंग में, फर्स्ट स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा, बराबर माइनस के वन एक्स वन। सेकेंड स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के टू एक्स टू हो जाएगा, ठीक है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू के होगा, क्लियर। तो एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस के, माइनस एफ बाई के हो जाएगा, ये माइनस एफ बाई के वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ बाई के टू। सॉल्व करेंगे तो आएगा के इक्वल टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, जस्ट लाइक दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस प्रकार टाइम पीरियड हो जाएगा टी इज इक्वल टू पाई एम के वन के टू
अपॉन के वन प्लस के टू, ये भी जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह हो गया। अब वही बात है कि दोनों स्प्रिंग के हमने बीच में मास अटैच कर दें, तो दोनों स्प्रिंग के बीच में मास अटैच कर देंगे तो क्या होगा, फिगर बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ मास लगा दिया, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ये K1 है, ये K2 है। फिर हम M मास के थोड़ा सा दबा देते हैं, तो ये K1 है, ये K2 है। ठीक है, इसका जो पोजीशन था कहाँ से कहाँ तक था, इसका पोजीशन था यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक x दूरी जो है खींच गई है, और ये वाली जो है x दूरी दब गई है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप, ये x दूरी अगर खींची है तो ये x दूरी दब गई है। ठीक, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी x डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन बोथ स्प्रिंग्स। ठीक है, दोनों स्प्रिंग्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। दोनों में स्प्रिंग में अगर हमें नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसमें उत्पन्न रिस्टोरिंग फोर्स F1 ऊपर के डायरेक्शन में होगा, इसमें F2 भी ऊपर के डायरेक्शन में होगा, केवल मान अलग अलग होगा। तो F1 का मान हो जाएगा माइनस K1x, F2 का मान हो जाएगा माइनस K2x, और पूरे सिस्टम का अगर हम रिजल्टेंट रेस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 के। मान लेते हैं कि ये पूरे सिस्टम में जो रिजल्टेंट F अप्लाई हो रहा है F है, तो F बराबर क्या होगा, दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, वही हमारा रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा टोटल, तो F बराबर F1 प्लस F2 के हो गया। और जब हम F कंसिडर करेंगे तो टोटल सिस्टम का हमने मान लिया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K है, तो F बराबर हो जाएगा माइनस K X, क्योंकि एक्स ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स, यहाँ से आया के बराबर के वन प्लस के टू, और इसके बाद हमारा टाइम पीरियड के टी इक्वल टू हो जाएगा टू पाई अंडर रूट एम बाई के वन प्लस के टू। ठीक है, तो ये आएगा टाइम पीरियड, जबकि दो स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में वर्टिकली हैंग आउट हो और उनके बीच में एम मास का बॉडी लगा हुआ हो। अब क्या है, सीरीज के अलावा हम बात करते हैं अगर हमारा दो स्प्रिंग्स को हम पैरेलली लगा लें, यानी केस टू की बात करते हैं कि के वन और के टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तब क्या होगा, देखिए आप, मान लिया कि ये रिजिड सपोर्ट है, एक स्प्रिंग यहाँ पे है के वन स्प्रिंग कांस्टेंट की, एक स्प्रिंग यहाँ पे है K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की। ठीक है, दोनों से हमने एक M मास को अटैच कर दिया है। ठीक है, अब अगर हम इसको खींचेंगे तो दोनों ही बॉडीज में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, दोनों स्प्रिंग में x डिस्प्लेसमेंट ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दोनों स्प्रिंग में x विस्थापन प्रोड्यूस होगा, इसलिए प्रत्यानयन बल या रेस्टोरिंग फोर्स अलग 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 होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसमें F1 प्रोड्यूस होगा, मान लेते हैं इसमें रेस्टोरिंग फोर्स F2 प्रोड्यूस होगा, तो F1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के वन एक्स, F2 का मान होगा माइनस के टू एक्स, फिर से। ठीक है, अब पूरे निकाय का मान लेते हैं रेस्टोरिंग फोर्स F होगा, वो F बराबर होगा F1 प्लस F2 फॉर होल सिस्टम। ठीक है, अब वैल्यूज पुट अप करेंगे तो K की जगह पे हो गया माइनस के एक्स इजकल टू माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू के वन प्लस के टू। ठीक है, और के क्या है, के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर होल सिस्टम।
ओके के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फॉर होल सिस्टम। अब के का मान निकल आया तो फिर से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड में के का मान रख देंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के वन प्लस के टू। तो इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम का वर्टिकल प्लेन में अलग अलग कंडीशंस में कैसे मोशन होगा, कैसे टाइम पीरियड निकलेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एक्सेलरेशन आएगा, ये सारे केसेस हो गए।